मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं फिश के अरीवा। जैसा कि मैं एक्वेरियम की नई जानकारी के साथ आता रहता हूं, तो आज फिर से एक जानकारी के साथ आया हूं। आज है मेरे पास ऑटो फीडर मशीन, चलिए उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आज मैं ये ऑटो फीडर मशीन है जो मछलियों को दाना देने के लिए काम में आता है, इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये पॉलीथीन निकाल देते हैं और इसका बॉक्स को किनारे रख देते हैं। ये ऑटो फिल्टर मशीन है, आपको दिख रहा होगा, और ये ग्लास में इसको टाइट करने भी होता है। ऐसे धीरे धीरे इसको टाइट करेंगे, ये पास में आ रहा है, इसको टाइट करने के लिए होता है ये। उसके पहले इसमें बैटरी लगा देते हैं, बैटरी साथ में नहीं आता है, इसके लिए बैटरी मैं परचेज कर लिया हूँ, इसमें लगा देता हूँ। पहले बहुत बड़ा साइज का नहीं है ऑटो फिल्टर मशीन, ये मेरा ये देखिए साइज में देखिए, बहुत बड़ा साइज का नहीं है, छोटा है। ये अपन ने सेल लगा लिया है इसमें, देखिएगा, और इसमें बटन है ऑन ऑफ की, 8 नंबर, 12 नंबर, 24 नंबर इसमें लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये 24 जो लिखा हुआ है, हॉर्स लिखा हुआ है, मतलब 24 घंटे में एक बार फीडिंग देने के लिए, और ये 12 घंटे हॉर्स में, 12 हॉर्स में फीडिंग देने के लिए दिन में 2 बार, और ये 8 हॉर्स लिखा हुआ है, 8 नंबर लिखा हुआ है, जैसे अभी इसमें ग्रीन कलर की लाइट जल रही थी। ये अब इसको दबा देता हूँ, ये चालू हो गया है, ये 8 घंटों में फीडिंग देगा, शायद उसके लिए है। इसको अपन दाना डालते हैं, इसको फिर ट्राई करते हैं कैसे वर्क कर रहा है, कैसे काम करता है, ये चीज़ चेक करते हैं, ये 8 घंटे का है कि 12 घंटे का है कि 24 घंटे का है। चलिए ऐसे बने रहिएगा, मैं इसमें पहले दाना डाल देता हूँ मछलियों का, इसको ऐसे ओपन करते हैं, ओपन कर दिया है, यहाँ से दाना नहीं डाल सकते हैं, इसमें एक जाली लगी हुई है, छोटी सी बारीक सी नेट लगी हुई है, आपको दिख रहा होगा इसमें। इसको भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे पुश करेंगे और ऐसे साइड से ओपन कर लेंगे। चलिए इसमें अब दाना डाल देते हैं, कहाँ पर खोलना रहता है मैं बताऊंगा, कहाँ पर हल्का से खोलना रहता है, ओपन करना रहता है, मतलब यहाँ पर ये जो कवर रहता है ये, इसको थोड़ा सा ओपन करना रहता है, ये कितना ओपन करना है, कितना दाना गिराना है, कितनी सारी मछलियाँ हैं, कितनी कम मछलियाँ हैं, इसको अपन थोड़ा सा ओपन करेंगे। तो एक और मिल गया, यहाँ से दाना डाल सकते थे तो खोल के हमने डाला, और यहाँ से भी डाल सकते हैं, इसको पूरा बंद कर देते हैं, फिर इसको बड़ा लगा खोल देते हैं, यहाँ से भी दाने को अपन इसके अंदर डाल सकते हैं। चलिए इसको बंद कर देते हैं अभी फिलहाल, तो एक पॉइंट ओपन कर दिया, सिर्फ एक पॉइंट। चलिए इसको चेक करते हैं कैसे वर्क करेगा, और हमको भी जानकारी मिलेगी और आपको भी मिलेगा। ये फर्स्ट टाइम मैंने मंगाया है और मैंने ओपन किया है, पहले से कोई ट्राई नहीं किया था, मैं अनबॉक्सिंग किया, आपको दिखाया हर चीज़, और इसको टाइट करते हैं ग्लास पे, एक्वेरियम जहाँ पर एक्वेरियम है अपना वहाँ पर इसको टाइट करते हैं, और इसके पुश बटन को क्लिक करके देखते हैं कैसे वर्क करता है। अभी 8 नंबर की बटन में लाइट जल रही, बंद चालू हो रही है, ये मतलब 8 घंटे में फिर के एक बार गिरेगा दाना इसका, ये 8 घंटे में गिरेगा, और ये 12 घंटे में, और 24 घंटा। चलिए इसको मैं किसी एक्वेरियम में लगा के आपको दिखाता हूँ, ऐसे बने रहिए। अब मैं आ गया हूँ एक्वेरियम के पास अपने, ये हमारा स्टोर रूम है जिसमें फिशेस को स्टोर करते हैं, रखते हैं,
अब इस पे लगा के दिखाता हूँ मैं ऑटो फीडर मशीन को। यहाँ पर टाइट करेंगे, यहाँ पर इसको चलिए टाइट कर, यहाँ पर टाइट करने वाला हूँ, इसको टाइट करके दिखाते हैं। चलिए ऐसे ही बने रहिएगा, आपको दिखाता हूँ। इसके पहले मैंने बताया था इसको टाइट करूँगा, ये वाले को नट को, और ये बोल्ट को, मतलब प्लास्टिक बोल्ट है, इसको टाइट करूँगा तो ये वाला जो प्लास्टिक है ये और ये वाले प्लास्टिक से सपोर्ट होकर इसमें टाइट हो जाएगा। मैंने इसमें टाइट कर दिया है, अब इसको चालू करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। वैसे तो आपके 8 हर्ट्ज में चालू होगा, 8 हर्ट्ज में सेट किया हूँ, तो 8 घंटे बहुत होते हैं, और उसको आपको दिखाना भी है और ये चेक भी हो जाएगा। तो इसको चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे ये वर्क करता है। तो मैं एक बार पुश करूँगा तो एक बार मशीन ये घूमेगी, जैसे मैं 8 नंबर की बटन दबाऊँगा तो एक बार ये घूमेगी, एक बार दाना उस समय जिस समय मैं चालू करूँगा उस समय से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उस समय गिर जाएगा, उसके बाद फिर 8 घंटे बाद फिर से गिरेगा, ऐसे ही 8-8 घंटे में गिरेगा। अब 24 घंटे तो होते ही हैं, 8 × 16 हो गया और 8 घंटे और मिला दिए तो दिन 24 घंटे में 3 बार इसको मछलियों को दाना मिल जाएगा, 3 बार मछलियों को दाना फीडिंग के लिए मिल जाएगा, 3 बार दाना खा सकते हैं ये। और आपका ये हो गया 12 घंटा हो गया, तो 24 घंटा होते हैं, 12 घंटा में गिरा एक बार और 12 घंटे में एक बार गिरा, वो 2 बार गिरता है। और कुछ लोगों को मतलब पूरे 24 घंटे में एक बार मछलियों को दाना देने की आदत भी रहती है, और मछलियों की आदत डाल भी देते हैं 24 घंटे में एक बार दाना देने के लिए। तो 24 नंबर की बटन भी है उसमें, उसको भी दबा पुश कर सकते हैं 24 घंटे में एक बार दाना गिर जाए, तो फ़ायदा भी है इसमें। मशीन में एक चीज़ बहुत फ़ायदा है, जैसे आप 15 दिन या 20 दिन के लिए बाहर चले गए हैं और फिल्टर विल्टर सब कुछ साफ़ करके चले गए हैं, तो मछलियाँ बीमार भी ना हों और ज़्यादा खाना भी ना खाएँ, तो जैसे ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे तो बीट भी ज़्यादा नहीं करेंगी, बहुत सेफ़ रहेंगी और हर चीज़ सही रहेगा उनका। आप उसके बाद आ जाएँ तब 15-20 दिन बाद, तो उसको आप फीडिंग 2 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं, जो भी आपकी आपका मन करे तो उतनी फीडिंग आप दे सकते हैं। तो इससे अच्छा आप 24 घंटे में ही सेट करके जाइएगा फीडर मशीन को, बहुत काम की भी चीज़ है ये। और ऐसी जगह ना फिट करिएगा जहाँ पर आपका यहाँ पर जैसे फ़िल्टर लगा हो, जो फोर्स वाला फ़िल्टर होता है, वो फ़िल्टर के पास ना करिएगा फिट, मतलब फिट ना कीजिएगा इसको मशीन को, ताकि इसमें बुलबुले के जो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं उनके जो पानी उठते हैं ना, तो इसमें फ़िल्टर मशीन में इसमें पड़ेगा, मशीन में मशीन तो नहीं ख़राब होगी लेकिन इसमें तो पड़ेगा, तो ये दाने में हल्की नमी आ जाएंगी, वो दाने गिरेंगे नहीं, मतलब अच्छे से गिरेंगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा। आप बाहर रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो सकती हैं, इतने सारी दिक्कतें हो सकती हैं, मछलियाँ बीमार हो सकती हैं, मछलियाँ खाना नहीं खाएंगी तो मर भी सकती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये पीछे बटन लगी हुई है, आपको अगर दाना गिराना बस है मछलियों को, कोई फीडर से मतलब नहीं है, तो आप एक बार इसको पुश करिए, मैंने पुश कर दिया और ये मशीन घूमने लगी है, ये देखिए अभी ये कुछ दाने गिरा दिए, ये अभी मछलियाँ इसको खाने लगेंगी। और दूसरी चीज़ एक और रहता है, जैसे मैं 8 हर्ट्ज वाला दबाऊंगा तो उतनी समय गिरेगा, उसी समय से 8 हर्ट्ज का चालू हो जाएगा, कंटिन्यू 8 मतलब 8 हर्ट्ज चलता रहेगा। ऐसे 12 हर्ट्ज का है, जैसे 24 हर्ट्ज का है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप 8 घंटे का, 12 घंटे का, 24 घंटे का भी दबा सकते हैं। चलिए हम 24 घंटे का दबाते हैं ना, तो अभी से 24 घंटे का चालू हो जाएगा, मशीन चलने लगी है, ये देखिए अभी दाना गिराएगा फिर से, ये दाना गिरा दिया, और इतने इतना मतलब एक पॉइंट ओपन किया हो तो इतने में कितना दाना गिरा है, काफ़ी दाना गिरता है, इसलिए ज़्यादा ओपन ना करें। ज़्यादा ओपन करेंगे 24 घंटे में एक बार खाना देंगे और बाहर चले जाएंगे तो दाना मछलियाँ खा भी नहीं पाएंगी, और दाना मतलब घुल जाएगा पानी में और मछलियाँ बीमार होकर मर जाएंगी, एक आध दो मछली मरेंगी, पूरी पूरा पानी गंदा ऐसे होता जाएगा, घुलती जाएंगी मछलियाँ और बीमार भी होती जाएंगी, दूसरी मछलियों की बीमार कर देंगी, और बस उसके बाद ख़त्म, पूरी मछलियाँ धीरे धीरे मर जाएंगी। आप 15 से 20 दिन बाद आएंगे, बोलेंगे ये क्या हुआ, तो ये ज़्यादा इसको ओपन नहीं कीजिएगा, ये वाला कैप को आपको दिखाता हूँ, इसको घुमा के
इसमें गियर होते हैं, इसको घुमा दिया हूँ। ये मैं थोड़ा सा ओपन किया हूँ, ज़्यादा ओपन नहीं किया हूँ, इसलिए इससे थोड़ा दाना गिरता है। अब ज़्यादा ओपन कर देता हूँ, मान लीजिए एक पॉइंट और रसा समय लगता है, ये कितना कितना सारा ओपन हो गया। ये देखिए नाखून मेरा घुस जाता है, ये देखिए बहुत ज़्यादा ओपन हो गया, एक बार में बहुत सारा दाना गिरने वाला है। चलिए इसको भी दिखा देता हूँ आपको, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बंद भी हो जाए, बहुत दाना गिर जाएगा तो मैं आपको दिखाते दिखाते ही मैं अपने जार में ही थोड़ी गंदगी, मतलब बहुत ज़्यादा दाना गिर जाएगा हमारे जार में तो हमारे जार में ही गंदगी हो जाएगी और मछलियाँ हमारी खाएंगी नहीं, तो उनको दाने को निकालना भी पड़ता है। अब एक बार ये पुश किया हूँ, ये देखिए चालू हो गया, कितना सारा दाना गिरेगा, ये देखिए बहुत सारा दाना गिर गया, जितनी मछलियाँ नहीं उससे ज़्यादा दाना गिर गया है। अब ये यही दाना है जैसे गिर गया, ज़्यादा ओपन कर दिया था, यह आपको दिखाने के लिए किया था मैंने। अब मछलियाँ नहीं खाएंगी तो ये बीमार पड़ जाएंगी। अब बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मशीन है, इसको बंद कर देते हैं सीधे से, ये बंद हो गया है, इसमें अब दाना नहीं गिरेगा। इसको ओपन कर लेते हैं, ऐसे ओपन करते हैं, स्क्रू लगा हुआ है प्लास्टिक का, बोल्ट बोल सकते हैं आप, स्क्रू भी बोल सकते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, कांच से बाहर निकाल लेते हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा कैसा लगा ये फीडर मशीन, बहुत अच्छी मशीन है और चल भी रही है। देखिए 24 दबाया तो 24 में ब्लिप कर रही है, ब्लिप कर रही है। तो आप इसको आप बताइए कमेंट में कैसी लगी आपको मशीन, और हमारे में इतना दाना गिर गया है तो इसको निकाल के दूसरी मछलियों को भी दे देते हैं ताकि ये बीमार ना पड़े। इतना सारा दाना निकला है, ये सब दाना हमारी एक मछली है, सब कुछ खा लेंगी, पूरा दाना खा लेंगी। इसमें शार्क में डाल देते हैं, शार्क बहुत तेज़ होती है, तब छोटी रहती है, दाना खाने में बहुत तेज़ रहती है। चलिए आप कमेंट में बताइएगा कैसी लगी ये आपको ऑटो फीडर मशीन, और ये आप देख सकते हो कंपनी का नाम भी, और बहुत बड़ी मशीन नहीं है, छोटी मशीन है। अब इसमें देखते हैं ये बटन जो है ऑन ऑफ के लिए तो है, ये दाना गिराने के लिए होता है, परमानेंट कैसे बंद होगा। अभी देखिए परमानेंट नहीं बंद हो रहा है, ये एक बार बैटरी अगर लग गई तो परमानेंट नहीं बंद होगा। देखते हैं कोई लाइट आ रही है, नहीं परमानेंट नहीं बंद हो गई, एक बार अगर बैटरी लग गई तो परमानेंट नहीं बंद होने वाला है। अभी भी 24 में दिखा रहा है, 8 में दबा देता हूँ तो 8 दिखाने लगेगा। अभी देखिए ये मशीन अभी घूम रही है, आप सोच रहे होंगे बार बार दिखा रहा हूँ, ये पूरी जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। ये रुक जाएगी, ये देखिए रुक गई, और इसकी ब्लिक कर रही है आपकी 8 घंटे में, 8 नंबर दबा दिया था। चलिए आपको आई होप आपको ये वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप हमको सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ऑल जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही हमारे नए नए ब्लॉग आते रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बने रहिएगा ऐसा।